पटना के सड़कों पर अपनी मांग को लेकर अड़े शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, मानो वो शिक्षक नहीं बल्कि कोई बड़ा कांड किए हुए हैं। ऐसा लगता है मानो वो बड़े क्रिमिनल हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद सभी पार्टियों के द्वारा नीतीश सरकार पर हमला किया जा रहा है। इसी क्रम में बक्सर पहुंचे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा गया, उसे हम पहले आपको सुनाते हैं। योगदान शिक्षक का होता है तो शिक्षक के साथ लाठीचार्ज होना ये सही नहीं है, कोई भी सरकार के लिए सही नहीं है। तो ऐसे जगह पे सरकार को बातचीत करना चाहिए, ना ही कि लाठीचार्ज करना चाहिए। अब बाकी सरकार है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अब उनको हमको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार बिहार से 17-18 साल से सरकार चला रहे हैं और उसके बावजूद भी अपने शिक्षक के दिलों में अभी तक जगह नहीं बना पाए, तो ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है। विपक्षी एकता को लेकर अभी तक पत्ता नहीं खोला आपने, विपक्ष को केंद्र में? देखिए अभी हम लोग संगठन पे लगे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कल अयोध्या में कार्यक्रम है, इसी तरीके से पूरे बिहार, यूपी, झारखंड तीनों राज्य में कार्यक्रम हमारा चालू है और 25 जुलाई से हमारा यात्रा भी निकलेगा और आराम से नवंबर दिसंबर में हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या रणनीति के तहत हमें मैदान में उतरना है। अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव होना है 2024 में फरवरी में, अभी तो इतना जल्दीबाजी है नहीं, इसलिए हम लोग संगठन पे काम करें, देश में देख रहे हैं कि देश के लिए कौन बेहतर प्रधानमंत्री होंगे, जो प्रेजेंट में है वो अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा काम किए हैं या आने वाले समय में कोई और करेंगे, ये सब चीज़ का मूल्यांकन करेंगे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, देश का किसान कैसे आगे बढ़े, किसान देश के युवा कैसे आगे बढ़े, ये सब चीज़ को सोचकर हम लोग निर्णय लेंगे कि निषाद समाज का भला किस में होगा। तो इसके लिए थोड़ा समय चाहिए और सभी हम लोग अपनी पार्टी को मजबूती में लगे हैं, समय आएगा तो आप लोग को बताएंगे, समय आएगा तो आप लोग को बता देंगे। चलो फर्स्ट बार में मोटरसाइकिल चलाते हैं हम सर। विजय